जय जोहार, स्वागत है आप मन के स्वरमई टाइम्स में। दिन भर के बड़े और महत्ता के खबर के संग मैं लक्ष्मीकांत दुबे। अब एक नजर आज के हेडलाइन में। स्कूल सफाई कर्मचारी संघ मांग पूरा नहीं होए में आंदोलन के चेतावनी दे। छत्तीसगढ़ में कैदी मन ला दे जावा थे मशरूम के खेती के प्रशिक्षण। एकल शिक्षक विद्यालय मन में शिक्षक के कमी ला दूर करे खातिर कलेक्टर करे पहल। स्कूल सफाई कर्मचारी संघ अपन मांग ला लेके फिंगेश्वर विकास खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंचे और शिक्षा अधिकारी के नाम मांग पत्र सौंपे हैं, जेमा बताया गिस कि अंशकालीन कर्मचारी मन सेवा देवा थे ओमन स्कूल समय में बिहनिया 6 से 8 बजे तक स्कूल में साफ सफाई करके आन काम में चले जाती। फिर नया समय 9 से 11 बजे निर्धारित हो ले ओमन दूसरा काम नहीं कर पावा थी। जिला लेके समय निर्धारण करे और अंशकालीन ले पूर्णकालीन कलेक्टर दर के मांग ओमन करे हाँ। सफाई कर्मचारी मन बताये कि वर्तमान में 9 से 11 बजे तक समय निर्धारित करे गए है, जेकर ले ओमन ला बहुत ही समस्या के सामना करे ले पड़े थे। स्कूल सफाई कर्मचारी मन स्कूल प्रशासन ला मांग पूरा नहीं हुआ आंदोलन के चेतावनी दे। अभी हम लोग को बीओ साहब ने मौखिक रूप से 9 से 11 तक आदेश निकाल दिया है और 2 घंटा है हम लोग का काम, वो भी आधा घंटा 3:30 से 4 बजे के बीच और बुला रहे हैं। तो इसलिए हमारे दोनों बीच के जो दूरी है उसमें हम लोग पूरा ये हो रहे हैं, हम लोग का या तो 8 घंटा पूरा ड्यूटी दिया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार की एक नया पहल के तहत बलौदा बाजार के जेल में बंद कैदी मल्ला जेल में मशरूम के खेती करे खातिर प्रशिक्षित करे जावत है, जेकर ले ओमन बाहर निकले के बाद बेहतर जीवन के विकल्प चुनत है। कलेक्टर आर बंसल ANI ला बताई कि सरकार है कैदी मन खातिर एक बेहतर जीवन ला चुनत है और कैदी मन अपन गांव वापस जाए के बाद खेती शुरू करत है। ओमन कहिन कि जेल में मशरूम के खेती और वर्मी कम्पोस्ट के शुरुआत करे गए है जो कि सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के तहत करे जावत है। ये पहल के परिणाम स्वरूप रिहा करे गए कैदी मन अपन गांव में वापस जावत है और वहां बेहतर जीवन खातिर खेती शुरू करत है। बलरामपुर जिला में ऐसे भी स्कूल संचालित हुआ थे जिहा एकल शिक्षक के भरोसा स्कूल संचालित करे जावत है। स्कूल में शिक्षक मन के कमी ला दूर करे खातिर हॉस्टल अधीक्षक मन ले अनुमति लेके ओ मन ला भी नजदीकी एकल शिक्षक स्कूल मन में पढ़ाई खातिर आदेशित करे गए है। आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा संचालित 125 हॉस्टल अधीक्षक मन ला उनका राय के बाद जिम्मेदारी सौंपे गयी है। उन्हें अधीक्षक मन भी अब जिम्मेदारी ला बखूबी निभावत है। स्कूल में पढ़ैया छात्र छात्रा मन भी कलेक्टर के पहल ले खुश हुए। ओमन के मानना है कि शिक्षक के आय ले ओमन के पढ़ाई और अच्छा ढंग ले हो पाते। बलरामपुर कलेक्टर विजय दयाराम जानकारी देवत बताई कि ट्राइबल विभाग के हॉस्टल अधीक्षक के बैठक आयोजित करे गए रहीस। बैठक के दौरान ओमन ले राय ले गीस और राय के बाद ओमन ला पढ़ाई खातिर आदेशित करे गए है। ओमन बताई कि एकल शिक्षक होए के वजह ले पढ़ाई काफी प्रभावित होवत रहीस, जिला देखा ऐसे फैसला ले गए है। कलेक्टर साहब का ये पहल बहुत अच्छा है, उससे पहले हमारे विद्यालय में शिक्षकों की कमी थी, हॉस्टल सर के आने के बाद वो कमी पूरी हो गई। पढ़ाते हैं वो काफी अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी पढ़ाई हमें बहुत अच्छे से समझ आती है। देश प्रदेश के जम्मो बड़े और महत्ता के खबर ले जुड़े रहे खातिर हमारे चैनल ला लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और तुरते तुरंत खबर ला पाए खातिर बेल आइकन दबाना मत भूलो। जय जोहार।